परम श्रद्धेय मुनि भगवंत तथा साध्वी वृंद को चरण स्पर्श, मंचस्थ हमारे जैन बंधुओं का सारा राष्ट्रीय व्यवहार सामाजिक व्यवहार संभालने वाले पुरोधागण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये संघ के दृष्टि से कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हम एकात्मता स्तोत्र कहते हैं, रोज कहते हैं, प्रातः काल में कहते हैं, उसमें नित्य भगवान महावीर का स्मरण करते हैं। हमारे ज्ञान निधि में जैनागमों की भी गणना करते हैं। चतुर्वेदाः पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणं भारतञ्च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटकाः गुरुग्रन्थः शतांगिरः एष ज्ञाननिधिः सर्व श्रेष्ठ। ये हमारे भारत की ज्ञान निधि है। और बुद्धा जिनेन्द्रा गोरक्षा पाणिनिष्ठ पतंजलि शंकरो मध्व निम्बाको श्री रामानुज वल्लभो झूले लालोथ चैतन्य तिरुवल्लुवरस तथा नायन मार आलवाराष्ट्र कंबश्च बसवेश्वरा। ये इस ज्ञान निधि के सब प्रवर्तक है, उपदेशक है, और ये हमारी सबकी ज्ञान निधि है, क्योंकि एक ही निष्कर्ष सब बताते हैं। जब ज्ञान की खोज चली, दुनिया में भी चली, हमारे यहां भी चली, तो दो प्रवृत्तियां चली। हमारी परंपरा की भाषा में एक श्रमण धारा है और दूसरी वैदिक या ब्राह्मण धारा कहते हैं। अंतर क्या था? खोज तो एक ही बात की करनी थी कि शाश्वत सुख कैसे मिलेगा, लेकिन निकले दो अलग दिशाओं में। सब में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा करते हुए जहां है वहां पहुंच जाएंगे। जिसमें नहीं है उसको छोड़ते चले जाएंगे, तो जिसमें है वो स्वतः सामने आ जाएगा। ये निवृत्ति पर धारा है। और जो कुछ सब है उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, ऐसे करेंगे तो उसमें जो असार है वो निकल जाएगा और जो है वो सामने आ जाएगा। ये दो दिशाएं खोज की थी। खोज का विषय एक ही था, शाश्वत सुख देने वाला सत्य सबको चाहिए था। दुनिया में भी ऐसे ही दो जगह, दो दिशाओं में लोग चले, लेकिन दुनिया और भारत में अंतर रहा कि बाहर की खोज करके दुनिया रुक गई और हमने बाहर की खोज होने के बाद अंदर खोजना प्रारंभ किया और उस सत्य तक पहुंच गए। अब वो सत्य है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि है। तो पानी का गिलास है, कोई कहता है वो आधा भरा है, दूसरा कहता है आधा खाली है, तीसरा कहता है पानी कम है, चौथा कहता है गिलास बड़ा है। वर्णन अलग अलग है, वस्तु एक ही है, स्थिति एक ही है। ऐसे देखने वाली की प्रकृति दृष्टि, इसके आधार पर रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम, ऐसे उस सत्य का वर्णन हुआ। तो दर्शन धर्म अलग अलग बन गए, बन गए, बने रहे और चल रहे, साथ चल रहे, क्योंकि सारा ये जो अपने अपने रुचि के लिए, प्रवृत्ति के लिए वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसा जो ऐसी जो यात्रा थी, वो अलग अलग प्रकार से चली, तो भी खोज एक चीज की होने के कारण जहां पहुंचे वो बात तो एक ही थी। साध्वी जी ने कहा कि महावीर को मानना सरल है,
महावीर का मानना कठिन है, वो जो का है वो सबने एक ही बताया है, सत्य, करुणा, अहिंसा, पवित्रता और तपस। वो प्राप्त करने के लिए तपस आवश्यक है, बाकी तीनों बातें, और वो तपस का तरीका भी एक ही है कि बाहर की चीजों से मुक्त होकर अंदर के सत्य को प्राप्त करो। बाकी दुनिया ने सोचा कि सुख बाहर है, और बाहर की सुख दुनिया में देखा उन्होंने कि वो सुख टिकता नहीं है, वो बार बार प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए उनका ध्येय बना कि ज्यादा से ज्यादा लंबा जियो और ज्यादा से ज्यादा भोग करो, और भोग की वस्तुएं कम है, भोग करने वाले बहुत ज्यादा है तो स्पर्धा होगी, स्पर्धा जीतने के लिए बलवान बनो, बलवान होकर विजय प्राप्त करो, बाकी लोग आपकी दया पर रहे, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए जब चाहिए तब लाके दे, तब उनको रखो, नहीं तो आप चाहे जो उनका कर सकते हो। ये जीवन का सत्य है, बाहर की दुनिया में जाएंगे तो यही सत्य प्रतीत होता है, जंगल का न्याय ही चलता है ऐसा लगता है। लेकिन वहां अंदर की खोज करने के लिए वो भी जो खोजना था वो अलग था, उनको भौतिक सुख चाहिए था, इसलिए वो मोक्ष तक तो पहुंच गए, मोक्ष मिला नहीं लेकिन उपासनाएं तो निकली। सृष्टि को चलाने वाला कोई है या नहीं है इसको लेकर अलग अलग, लेकिन कुछ है, लेकिन वो किस लिए है, किस लिए चाहिए, ताकि भरपूर खा सकूं, भरपूर उपभोग कर सकूं। अब ये बाहर की जड़ दृष्टि है वो सबको अलग अलग बताती और जोड़ती किसी को नहीं है, क्योंकि उसमें समन्वय नहीं है, उसमें स्ट्रगल है, संघर्ष है, स्पर्धा है। हमारे यहां लोगों ने बाहर का नहीं मिला, बाहर टिकने वाली बात मिली नहीं तो छोड़ा नहीं, उन्होंने अंदर खोजा और उनको जोड़ने वाला तत्व मिल गया। और इसलिए जब हम सत्य कहते हैं तो सत्य हम यही कहते हैं कि सब अपने हैं। महावीर स्वामी जी का उपदेश अभी जो आचार्यों ने बताया वही सारा है, उस पर मैं अधिक बोलूं इसकी आवश्यकता नहीं। सभी अपने हैं, सुख जड़ पदार्थों में नहीं है, तुमको अकेले को एक व्यक्ति को जीना नहीं है, व्यक्तिवाद को छोड़ो, सबके साथ मिलजुल कर रहो, अहिंसा से चलो, संयम करो, अपरिग्रह करो, चोरी मत करो, दूसरे के धन की इच्छा मत रखो, ये सारी बातें जीने का तरीका जो बताया गया वो सबने समान बताया। और आज हम देखते हैं वो तो शाश्वत है जैसा कहा गया, सारे विश्व की समस्याएं उसकी अनदेखी से निकली है। विश्व में कलह है, विश्व में दुख है, क्यों है, इसीलिए है कि पहले तो मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति नहीं, हम ही सही बाकी सब गलत, तो बाकी सब अगर गलत है तो उनके लिए यही बताया जाता है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम छोड़ देंगे, या नहीं तो हम तुम्हारा कान पकड़कर अच्छे रास्ते पर लाएंगे, नहीं मानोगे तो हम मारेंगे, फिर भी नहीं मानोगे तो मार ही देंगे। और इसलिए सत्य को जानने के नाम पर कितने रक्तपात दुनिया में हुए और आज भी चल रहे हैं। भाई बात सब लोग एक ही कर रहे लेकिन हरेक का स्थान अलग अलग है तो उसको अलग अलग दिखता है। सापेक्ष सब विचार करते हैं, मेरे सामने कोई बैठा है ये तब तक है जब तक मेरा मुंह उनके सामने है, मैंने अगर मुंह फेर लिया तो वो सब मेरे पीछे हो जाएंगे, जगह किसी की नहीं बदलेगी, मेरी भी नहीं बदलेगी, उनकी भी नहीं बदलेगी, लेकिन मेरी जो अभी की स्थिति है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे,
कोई मेरे साथ खड़ा और पीछे देख रहा है वो कहेगा कि सामने कहाँ है, वो तो पीछे है। इसको लेकर झगड़ा करेंगे, इसको लेकर झगड़ा करेंगे तो कलह ही होगा, युद्ध ही होगा, और क्या नहीं, और क्या होगा। और इसलिए अहिंसा की बात जो महावीर जी ने कही और उसका पराकोटि का एक आदर्श खड़ा किया, अभी जीवन बताया उन्होंने सब सहन किया, कभी सामना किया नहीं, अपूर्व सहन शक्ति का परिचय दिया। सहन नहीं करना यानी कायर नहीं बनना, सहन नहीं करना यानी भाग नहीं जाना, सामना करना यानी प्रतिकार नहीं किया लेकिन खड़े रहे भागे नहीं। ये कौन कर सकता है? जो परम शक्तिशाली है वही अहिंसक बन सकता है। और इसलिए महावीर जी तो महावीर थे, चाहते तो सब कर सकते थे, लेकिन सद्भावना सबके बारे में है, सब अपने हैं और किसी को धक्का नहीं पहुंचाना है, तो मन वचन कर्म से पूर्ण अहिंसक हो रहे। उस अहिंसा की योग्यता भी प्राप्त करनी पड़ती है, ऐसी शक्ति ऐसा संयम पहले धारण करना पड़ता है। आप देखिए अभी की दुनिया को देखिए और अभी लड़ने वाले लोगों को देखिए, देश में या बाहर, लड़ने की भाषा वही करते हैं जिनको डर होता है। जो बलशाली है वो लड़ने की भाषा नहीं करते, वो समझाने की भाषा करते हैं, साथ बुलाते हैं, साथ चलने के लिए कहते हैं। और वो अगर सबको अपना मानते हैं तो दुर्बलों को बलशाली बनाते हैं। इस प्रकार का आचरण, अहिंसा का आचरण जो महावीर जी का आदर्श है, वो उन्होंने केवल उपदेश नहीं किया, ये सब जीकर बताया है। दूसरी बात है कि जड़ सुख के पीछे भागते हैं लोग, तो वो तो पूरा पढ़ने वाला नहीं है किसी को। महात्मा गांधी कहते थे कि देयर इज इनफ इन यूनिवर्स फॉर एवरीवन्स नीड, बट यूनिवर्स कैन नॉट सेटिस्फाई एनीवन्स ग्रीड। आवश्यकता सबकी पूरी होती है, इतना सृष्टि में है, लेकिन लालच है तो एक के लालच को भी सृष्टि पूरी नहीं पड़ती। जड़ सुख के पीछे भागने वाले लालची हो जाते, क्योंकि और जड़ सुख तो अभी है, एक एक मिनट के बाद चला जाएगा। अभी आप जी भरकर रसगुल्ले खा लो, इसका मतलब ये नहीं कि कल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रसगुल्ला अच्छा लगता है, 50-60 खा लिए, दिन भर भोजन नहीं किया, कल सुबह उठ के कल का है क्या रसगुल्ला कहीं रखा, ऐसा पूछते हैं, कल तो खाया, कल खाया लेकिन आज फिर से चाहिए, तो लालच बढ़ाता है, वो पूरा पड़ता नहीं। उसके चलते लोग चाहे जो करते वही अगर सर्वोच्च माना जाए तो बाकी सब गौण हो जाता है। और इसलिए संयम का उपदेश दिया। महाश्रमण जी को एक बार सुन रहा था, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अहिंसा और संयम ये भगवान महावीर के सिख के दो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। श्रमण परंपरा में महावीर जी ने ये जो तत्व दिए हैं, अनेकांतवाद हो, स्यादवाद हो, ये हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाते, आगे बढ़ना सिखाते, सबको अपना बनाना सिखाते और अपने ऊपर संयम रखते हुए जड़ पदार्थों के परे जाकर वास्तविक जो शाश्वत सुख है उसका निदान जहां है वहां पहुंचाते। वो क्या है, कैसे है, इसके वर्णन के बारे में अलग अलग सब हो सकता है, लेकिन वो जो कुछ है वो एक ही है। ऐसा उनका संदेश है, जीवन संदेश है। और हम अपने भारत की परंपरा का विचार करते हैं तो यही हमारे सारे तत्वज्ञान, सारे तत्वदर्शी, सारे धर्म पंथ संप्रदाय सब यही कहते हैं। दर्शन अलग अलग है लेकिन प्रस्थान बिंदु एक है और व्यवहार एक है।
और इसलिए हम कहते हैं कि विविधता में एकता हमारे देश में है। कभी कभी मैं कहता हूं कि विविधता में एकता क्या, एकता की ही विविधता हमारे देश में ध्यान में आती है। हम सब एक है और हम एक है तो हम बड़े प्रतापी बन जाएंगे, सारी दुनिया को जीतेंगे, ऐसा नहीं है। हम सब एक होने से प्रतापी बन जाएंगे, शक्ति संपन्न बन जाएंगे। हमको दुनिया को जीतना नहीं है, हमको सारी दुनिया को जोड़ना है, क्योंकि हम मानने वाले और न मानने वाले ऐसा भेद न मानने वाले, मानने वाले और न मानने वाले इनका भेद करने वाले सारे उच्च तत्व कहते, लेकिन वो केवल मानने वालों के लिए होते, न मानने वालों के लिए नहीं होते। शुद्ध जड़वादी विचारधारा भी बात करती है न्याय की, सत्य की, अहिंसा की, लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारा विचार मानते उनके लिए ये है, बाकी लोगों के लिए क्या है, बाकी लोग नष्ट हो जाएंगे, नहीं हुए तो हम करेंगे। हम संपूर्ण विश्व को एक जीव के रूप में देखते हैं और इसलिए उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं करते। जो मानने वाले हैं वो हमारे है ही, जो न मानने वाले हैं वो भी हमारे हैं, उनको भी जोड़ना है। और इसलिए हम बनेंगे तो हम और लोगों को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे, उनको बांधने के लिए उसका उपयोग नहीं करेंगे। एक ऐसा उच्च जीवन दर्शन हमारे यहां मिला है और हमको एक कर्तव्य है कि सारी दुनिया को यह रास्ता बताना, और उसका समय आ गया है, क्योंकि 2000 वर्षों में अनेक प्रकार के प्रयोग करके और विश्व अब ठोकरे खा रहा है, लड़खड़ा रहा है और भारत की ओर आशा से देख रहा है। भारत से उपाय मिलेगा ऐसा विश्व क्यों सोचता है, क्योंकि विश्व को पता है कि ऐसे दर्शनों के आधार पर, ऐसे शाश्वत तत्वों के आधार पर और ऐसे व्यवहारों के आधार पर एक समय बीत गया। हजारों वर्षों तक हमने दुनिया को सुखी, सुंदर, शांतिपूर्ण और एक बनाए रखा। लोग क्रांति की भाषा कहते हैं, हमने विश्व के जीवन में उत्क्रांति और संक्रांति लाई है, ऐसे हम लोग हैं। वो कर्तव्य करने का समय उपस्थित हुआ है और इसलिए भगवान महावीर को, उनके उपदेश को, उनकी तपस्या को, उनके आचरण को याद भी करना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। जब हमारे जैन बंधुओं ने तय किया कि 2550वां वर्ष मनाएंगे, तभी हमारे सरकारी राय जी ने एक निवेदन दे दिया प्रेस को, महावीर जी के बारे में अच्छी जानकारी वगैरह सारा देकर, कि उनका ये 2550वां वर्ष है और उसको मनाने में संघ सहयोगी सहभागी है और 70,000 शाखा की बात हमारे मुनि जी ने कही, तो हमारी शाखाओं में उस बैठक के बाद ये शाखाशाह कार्यक्रम शुरू हो गए। इस बार के हमारे बौद्धिक पाठ्यक्रम में महावीर जी की कहानी और महावीर जी के तत्वज्ञान का सबको समझ में आया ऐसी सरल भाषा में छोटा सा परिचय ये समाविष्ट हो गया है और उसकी पूछताछ भी होगी कि कितना किया जो तय हुआ था, क्योंकि पूरा समाज अपना है, ये सारा अपना निधि है तो इसको तो मनाना ही है, इसमें विशेष बात क्या है, ये न मनाते तो विशेष था, ऐसे कैसे हो गया। ये पूरा ज्ञान निधि अपना है, ये पूरे प्रवर्तक आचार्य हमारे आचार्य है, उन्होंने हमको जीवन की सत्य राह का दर्शन समय समय पर देशकाल परिस्थिति सुसंगत भाषा में कराया है। हमारा समाज भी अलग अलग रुचियां लगता है, उसके अनुसार एक एक रास्ते को पकड़ता है, उस पर निष्ठा से चलता है। उसको भी समझना चाहिए कि रास्ते अलग है लेकिन जाना एक ही जगह सबको है, निकले एक ही जगह से है, जितनी मेरी शक्ति है वैसा रास्ता मैंने लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा रास्ता गलत है, वो भी उतना ही समर्थ है।
और इसलिए साध्वी जी ने जो कहा कि चाहे धर्म हमारे अलग हो, राष्ट्र के नाते हम एक है। हमारे समाज में अनेक वर्ग है जिनको हम समाज के जैन समाज कहते, सिख समाज कहते, भले ही हम कहे, लेकिन इस देश के लोगों के नाते हम सब एक है। और एक रहकर हमको देश को बनाना है। रामलीला अयोध्या में उस दिन ये सब कहा गया जो यहां हमको बताया गया कि अयोध्या में कलह नहीं होता। राम जन्मे दशरथ जी के घर पर, और जिस दिन कलह उत्पन्न किया गया मंत्रा के द्वारा, वो राजमहल के बाहर चले गए, वन में चले गए 14 साल। दुनिया में कलह था, उसको समाप्त करके वापस आए, क्योंकि 14 साल भरत ने बिना कलह राजगद्दी संभाली राम की पादुका रखकर। ये बुद्धि 14 साल तक जब टिकी रही तो रामलला वापस आए। अब फिर से एक बार आए हैं तो हमको भी उसी रास्ते पर चलना है, और उस रास्ते का उसकी पूर्णता में दो टूक शब्दों में अपने जीवन के उदाहरण के साथ दर्शन हमारे सामने भगवान महावीर ने रखा है। उसको याद करना, उसको समझना, और एक एक छोटी छोटी चीज अपने जीवन में उतारना। एकदम तो हम बढ़ नहीं सकेंगे, एकदम भगवान महावीर बनना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उन्होंने भी कितने वर्ष तपस्या की, हम एक एक कदम बढ़ा सकते हैं। हम कहेंगे बहुत दूर है, वहां कैसे जाएंगे, तो जाए वही रहेंगे। कैसे जाएंगे सोचने के बजाय चलना प्रारंभ करेंगे तो कैसे जाना भी पता चलेगा, और एक दिन पहुंच भी जाएंगे। योजना नाम सहस्रम तु शनैर गच्छेत पिपीलिका, चीटी चलती अपने छोटे छोटे कदमों में, और सहस्रों योजन चली जाती है, गांव के गांव बदल देती है। अगर छन महीने तो ये ओपी पदम एकम गच्छति, और गरुड़ है, महाशक्तिशाली है, पंखों में ताकत है सारे आसमान को आलोड़न करने की, परंतु उड़ता ही नहीं तो जाएगा ही नहीं। तो हम गरुड़ हो या चींटी हो, कदम बढ़ाने का महत्व है। और इसलिए इस वर्ष में हम संकल्प ले कि अगले वर्ष 2551वां कल्याणक जब आएगा, तब तक हम अपने जीवन में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, संयम, एकांत, अनेकांतवाद, स्यादवाद, इन सारे मामलों का विचार करके कौन सी दो नई अच्छी बातें जोड़ेंगे, कौन सी दो नई दो पुरानी बुरी बातें छोड़ेंगे। ऐसा अगर स्वयं का निरीक्षण करके छोटे छोटे परिवर्तन हम प्रतिवर्ष करते चले जाते हैं तो कर्म तो हमारे हाथ में है। हमारे सभी धर्मों में और एक समानता की समानता का वैशिष्ट्य है, सब लोग कर्म करने की मनुष्य की स्वतंत्रता, और कर्म करने के बाद उसके फल को स्वीकार करने की, उसके फल यानी उसके उसके बख्शीश नहीं, उसके जो परिणाम होंगे उसकी जिम्मेवारी उसको स्वीकार करनी पड़ती है और उसे उस परिणाम भोगने पड़ते हैं। इस पर सब लोग विश्वास करते हैं, और इसलिए हम ऐसा कर्म करें जिस कर्म से हमारा भविष्य काल ठीक हो जाए, चाहे वो अगला वर्ष हो या अगला जन्म हो। क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि मनुष्य की प्रगति थमती नहीं है, वो सदैव चलती है। जन्म जन्मांतर की यात्रा में वो उसको पूर्ण कर लेता है, और एक दिन अंदर के इस सुख को पाकर एक छोटा महावीर वो भी बन जाता है। ये यात्रा हम प्रारंभ करें, इस यात्रा का संकल्प हम सब ले, उस यात्रा में बढ़ने वाले सभी को आपके प्रगति की अनेकों शुभकामनाएं उस यात्रा में, और हमारे मुनि आचार्य संतों का ऐसा ही मार्गदर्शन हमें नित्य प्राप्त होता रहे, यह उनके चरणों में प्रार्थना, और आपके लिए भी ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।